वेलकम स्टूडेंट्स, हूँ आप स्टार्ट करांगे थर्ड वीडियो PCE सब्जेक्ट के बारे। तुम ऑलरेडी हूँ देख चुके हो कि मॉड्यूलेशन की होंगी है। मॉड्यूलेशन आप देखे सी कि असी सिग्नल अगर लोंग डिस्टेंस तक भेजना हो आप चेंज करते हैं उसकी फॉर्म नू, उसकी फ्रीकुएंसी नू। तो अज आप देखांगे कि मॉड्यूलेशन की लोड़ है अपन, क्यों असं मॉड्यूलेशन करते हैं, वो आप पॉइंट्स डिस्कस करांगे डिटेल विच नीड ऑफ मॉड्यूलेशन दे। असी तीन सिग्नल डिस्कस किया सीगे, पहला सी कैरियर सिग्नल, दूसरा मैसेज सिग्नल जिन्हें आप कहने मॉडुलेटिंग सिग्नल भी, तीसरा आप किया सीगा मॉडुलेटेड। जिहड़ा मैसेज सिग्नल है वह अपनी इनफॉर्मेशन कंटेन होंदी है लेकिन फ्रीकुएंसी काफ़ी लो होंदी है जिन्हों आपां एज इट इज़ ट्रैवल नहीं करा सकते, सेंड नहीं कर सकते। तो आप एक सिग्नल लेने से कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीकुएंसी का होंदा वै, जो कि कैरी करता वै मैसेज सिग्नल नू डेस्टिनेशन तक रिसीवर तक। फिर जो आप कैरियर सिग्नल दे जो आप प्रॉपर्टीज़ नू चेंज करते हैं जो कि अपनी एम्पलीट्यूड फ्रीकुएंसी ते फेस हुंदा वै, जो आप वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आंदा वै उन्हूं आप कहने मॉडुलेटेड सिग्नल। एक्चुअल जब आप वाला सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर तक। तो अज आप देखांगे कि मॉडुलेशन की अपन की लोड़ पई है, क्यों मॉडुलेशन करनी पई है कम्यूनीकेशन सिस्टम विच, नीड ऑफ मॉडुलेशन। साढ़े को देखो पांच पॉइंट आप डिस्कस करेंगे ये कि मॉडुलेशन का की बेनीफिट है या कि यूज़ है क्यों वो नीड पी। पहला पॉइंट आप डिस्कस करेंगे रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। एंटीना जरा लगे होंगे वा जो तो आप सिग्नल ट्रांसमिट करना हो वायरलैसली तो आप उस टाइम एंटीना यूज़ करते हैं, जो कि एंटीना जो कि एयर विच वेव्स ट्रांसमिट करता वै ट्रांसमिटर साइड तो। फिर रिसीवर साइड पर भी एंटीना लगा हों जो कि जिन्होंने आप रिसीविंग एंटीना कह सकते हैं, जो कि रिसीव करेगा एयर तो सिग्नल नू, ते उदी हाइट नू रिड्यूस करने वास्ते आपां मॉडुलेशन यूज़ करते हैं। ये अपना पहला पॉइंट आपां नू डिस्कस करांगे। दूसरा पॉइंट आपां करांगे अवॉयड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। मान लो अपने को दो तीन सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर आपस मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप जब सिग्नल सेंड करांगे रिसीवर तक तो वो ठीक जो आप इनफॉर्मेशन जब आप पहुँचाना चाहते थे वो नहीं पहुँचा पावांगे आप, तो उसनू अवॉयड करने वास्ते आप मॉडुलेशन करते हैं। थर्ड आप करांगे डिस्कस इनक्रीजिज द रेंज ऑफ कम्यूनीकेशन। फोर्थ करांगे मल्टीप्लैक्सिंग इज पॉसिबल। एंड फिफ्थ आप करांगे इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। तो पांच पॉइंट बेसिकली पांच पॉइंट उसी याद रखने हैं, ये पांच पॉइंट है जिन्हें कारण आप मॉडुलेशन करते हैं कम्यूनीकेशन सिस्टम विच। हुण पहला पॉइंट है रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। असी किदां एंटीना की हाइट नू रिड्यूस या घटा सकते हैं मॉडुलेशन यूज़ करके, जो अपनी प्रोसैस है मॉडुलेशन की। हुण किसी भी सिग्नल अगर आप ट्रांसमिट करना हो एंटीना की हाइट आपको चाहिए है लैमडा बाय फोर। लैमडा की इतने अपनी लैमडा अपनी हैगी वेव लेंथ, ठीक है। मान लो कोई आप अगर वेव ट्रांसमिट करनी है एंटीना तो एंटीना जी हाइट है दैट शुड बी लैमडा बाय फोर। लैमडा इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव जो आप ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। इतने आप नैक्सट देखो लैमडा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेव लेंथ का फॉर्मूला की है इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, ठीक है। आप वेव लेंथ अपनी जी है और डिस्टेंस अपन कंसीडर करते हैं मीटर जो होंगी है डिस्टेंस जो यूनिट्स होंगे ये, तो इक्वल टू की है सी अपॉन एफ है। सी की है अपना वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि एक लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू की रहेगी 3×10⁸ मीटर पर सैकेंड, ठीक है। ये वैल्यू जी है वेलोसिटी ऑफ लाइट की यही होंगी हमेशा सी आर रखनी है। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सैकेंड और डिवाइडेड बाय एफ है। एफ की अपना फ्रीकुएंसी ऑफ द सिग्नल दैट टू बी ट्रांसमिटेड, जो अपना ट्रांसमिट करना सिग्नल वो फ्रीकुएंसी एफ है। तो लैमडा का फॉर्मूला आप याद रखेंगे लैमडा इज इक्वल टू सी बाय एफ। लैमडा की है वेव लेंथ है जो आप वेव ट्रांसमिट करनी है एंटीना तो, एंटीना की हाइट की होनी चाहिए दैट शुड बी लैमडा अपॉन फोर। हम आप कंसीडर करेंगे दो फ्रीकुएंसी, दो डिफरेंट फ्रीकुएंसी आप कंसीडर करेंगे। देखो लैफ्ट हैंड साइड पर आप लिख रहे हैं फिजिकल टू 10 kHz, तो मैं दस्या सीगा जी अपनी ऑडियो फ्रीकुएंसी रेंज है वो हैगी है 20 Hz तो लैके 20 kHz। तो एक फ्रीकुएंसी आप इतने कंसीडर करांगे जो अपनी ऑडियो फ्रीकुएंसी रेंज की है, ठीक है 10 kHz। तो राइट साइड से आप कंसीडर करांगे 10 MHz जो कि आप हाई फ्रीकुएंसी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप मॉडुलेशन करने तो बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। 10 kHz जो आप बोल रहे हैं या आप जो सुनते हैं दैट्स ऑडियो फ्रीकुएंसी या वॉइस फ्रीकुएंसी अपनी आ गई 10 kHz है, जो आप इतने कंसीडर कर रहे लैफ्ट साइड से। राइट साइड से आप कंसीडर करेंगे 10 MHz जो आप सिग्नल ऑलरेडी मॉडुलेट करता है दैट्स अ मॉडुलेटेड सिग्नल, ठीक है। हुण एंटीना हाइट का फॉर्मूला की रहेगा अपने को दैट शुड बी लैमडा इज इक्वल टू सी अपॉन 4f। जो देखा सी हुई कि जी अपनी एंटीना हाइट है दैट शुड बी इक्वल टू लैमडा बाय 4
तो लैमडा का फॉर्मूला की होंगे वै सी अपॉन एफ, सी की वैल्यू की रहेगी हमेशा कॉन्सटेंट रहेगी, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सैकेंड। हम आप डेटा हेड कि गड्डी इतने उपर आप वैल्यू लिखी सी की वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन 4 आ गया, दैट्स लैमडा बाय 4 है क्योंकि इतने अपने को है फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी कि कंसीडर की है 10 kHz की आप इतने 10 kHz, 1 kHz किन्ने हर्ट्स होंगे 10⁻³, तो 10 × 10⁻³ आ गया। जो आप कैलकुलेट करेंगे अपने को हाइट आ जाएगी 7.5 किलोमीटर, मीनस आपको एंटीना की जी हाइट इन्नी चाहिए होगी जी आप 10 kHz सिग्नल ट्रांसमिट करना हो फ्रीकुएंसी वाले, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंटीना ऑफ दिस हाइट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू इंस्टॉल। राइट साइड पर कंसीडर किया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जी फ्रीकुएंसी 10 MHz है, ठीक है, यदि आप हाइट कितना गड्डी है सेम फॉर्मूला है, उपर वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 4 जो कि लैम्डा बाय 4 है इनटू फ्रीकुएंसी है, फ्रीकुएंसी कितनी थी अपन 10 MHz, 1 MHz कितने हर्ट्ज होंगे 10⁻⁶, ठीक है, इन कैलकुलेट करने के बाद अपने वैल्यू आई है 75 मीटर्स जो कि पॉसिबल है प्रैक्टिकली, जो आप एंटीना हाइट आप इन्ने हाइट एंटीना आप लगा सकते हैं। दिस एंटीना कैन बी ईजीली इंस्टॉल्ड प्रैक्टिकली, दिस मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द एंटीना, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट अपना आता है कि असी अगर अपनी एंटीना की हाइट को रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर आप देखा वै जो अपनी ऑडियो फ्रीकुएंसी रेंज जो आप फ्रीकुएंसी यूज करिए तो उस केस अपन काफ़ी हाइट जो एंटीना की काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगी है, लेकिन आप अगर उन्होंने घटाना हो एंटीना की हाइट में तो आप की करते हैं मॉड्यूलेशन करते हैं, उन्होंने अपनी एंटीना की हाइट काफ़ी रिड्यूस होती है। सेकेंड पॉइंट है अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। इफ द बेस बैंड साउंड सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड विदाउट यूजिंग द मॉड्यूलेशन बाई मोर देन वन ट्रांसमीटर दैन ऑल द सिग्नल्स विल बी इन द सेम फ्रिक्वेंसी रेंज दैट इज 0 to 20 kHz, देयरफॉर ऑल द सिग्नल्स गेट मिक्स टूगैदर एंड रिसीवर कैन नॉट सेपरेट दैम फ्रॉम ईच अदर। मैं की कह रहा है कि अगर कोई बेस बैंड अपने को साउंड सिग्नल्स हैं जिसकी फ्रीकुएंसी मतलब 0 to 20 kHz तक है, उन्होंने आप एक तो ज़्यादा ट्रांसमीटर नालों आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल्स को, अपने को सिग्नल्स भी जो ज़्यादा है ट्रांसमीटर ज़्यादा अपने को है, उन्होंने क्यों होगा सिग्नल आपस मिक्स हो जाएंगे, जो तो मिक्स होकर फिर जो रिसीवर तक पहुँचेंगे फिर रिसीवर उन्होंने सैपरेट नहीं कर पाएगा, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि सिग्नल को चाहिए है। हैंस इफ ईच बेसबैंड साउंड सिग्नल इज यूज टू मॉड्यूलेट अ डिफरेंट कैरियर दैन दे विल ऑक्यूपाई डिफरेंट स्लॉट्स इन द फ्रीकुएंसी डोमेन डिफरेंट चैनल्स, दस मॉड्यूलेशन अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। और आप मॉड्यूलेशन की करेंगे हरेक बेसबैंड हरेक जो अपना सिग्नल है उन्होंने आप डिफरेंट डिफरेंट कैरियर ना आप मॉड्यूलेट कर देंगे फिर डिफरेंट फ्रीकुएंसी जी हम आप करेंगे जोड़े अपने सिग्नल से जो 0 to 20 kHz तक है उन्होंने आप डिफरेंट डिफरेंट कैरियर नू मॉड्यूलेट कर देंगे ताकि वो डिफरेंट फ्रीकुएंसी डोमेन ले सकन, फिर आप जो ट्रांसमिट करेंगे तो फिर वो मिक्सिंग की कोई पॉसिबल जी प्रॉब्लम सी वो नहीं आएगी, ठीक है। एक होर अपना पॉइंट दूसरा कि जुड़ गया थे अपना कि जो आप सिग्नल्स की जी मिक्सिंग है उन्होंने अवॉइड करना चाहते हैं तो आप मॉड्यूलेशन करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट कैरियर यूज करके आप अलग अलग उन्होंने आप फ्रीकुएंसी डोमेन च रख सकी सिग्नल्स में। हूँ थर्ड पॉइंट है इनक्रीज द रेंज ऑफ कम्यूनीकेशन, जो मैं आप पहले भी गल कर चुके हैं, जो असी कम्यूनीकेशन की रेंज न इनक्रीज करना वै जिस आप सिग्नल लोंग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना वै तो आप एज इट इज़ ट्रैवल नहीं करा सकते, फिर आप मॉड्यूलेशन करनी ही पैंती है। द फ्रीकुएंसी ऑफ बेस बैंड सिग्नल इज लो एंड द लो फ्रीकुएंसी सिग्नल्स कैन नॉट ट्रैवल लोंग डिस्टेंस वन दे आर ट्रांसमिटेड दे गैट हैवीली अटैन्यूएटिड। हूँ अपना आप पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि जी फ्रीकुएंसी अपनी होंगी है ऑडियो फ्रीकुएंसी रेंज या वॉइस फ्रीकुएंसी रेंज काफ़ी लो होंगी है, जो आप एज इट इज ट्रांसमिट करिए तो लोंग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि सिग्नल की है वो अटैन्यूएट हो जाएगा, अटैन्यूएट मीनस की जो वैल्यू है घटती जाएगी तो फिर वो कुछ डिस्टेंस बाद जो सिग्नल अपना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो इतने फॉर्मूला देखो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी घट होएगी तो सिग्नल की एनर्जी भी घट होएगी, जो फ्रीकुएंसी ज़्यादा होएगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होएगी, मीनस फ्रीकुएंसी डिपेंड कर रहा है कि सिग्नल की एनर्जी कितनी है, ठीक है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीकुएंसी, जो फ्रीकुएंसी घट सी अपने को सिग्नल है बेस बैंड एज इट इज तो एनर्जी घट है, तो एनर्जी घट है इट मीनस वो लोंग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इदी हम मान लो जो आप सिग्नल मॉड्यूलेट कर दी हाई फ्रीकुएंसी का बना दी आप सिग्नल में फिर फ्रीकुएंसी बढ़ जाएगी, जो बढ़ेगी फिर एनर्जी वो इनक्रीज हो जाएगी, जो एनर्जी इनक्रीज होगी फिर वो काफ़ी लोंग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकता है। द मॉड्यूलेशन प्रोसैस इनक्रीजिज द फ्रीकुएंसी ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड
therefore it increases the range of communication. ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿੱਚ ਟੂ ਆਰ ਮੋਰ ਸਿਗਨਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਓਵਰ ਦ ਸੇਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨਲਸ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੇਨ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਗੇਨ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਅਲੋਸ ਦਾ ਸੇਮ ਚੈਨਲ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਸਿਗਨਲਸ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ FM ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਸੱਚ ਐਸ PCM ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਨੋਇਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਇੰਪਰੂਵਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FM ਰੇਡੀਓ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ PCM ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਸ ਕੋਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੋਇਸ ਕਦੋਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ 'ਚ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੋਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਆਪਾਂ ਨੀਡ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੈ, 5 points ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦ ਬੇਸ ਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟਿਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਿਫਟਿਡ ਫਰੋਮ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਦਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋ ਟੂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।